हाय मदन चलकर में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सी सेक्शन के दौरान जो है पेट पर चीरा लगाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में भी चीरा लगाया जाता है, लेकिन ये चीरा हर लेडीज़ को नहीं लगाया जाता। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें डॉक्टर को चीरा लगाना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि चीरा किन किन लेडीज़ को लगाया जाता है, इसमें कितने टाके आते हैं, और ये चीरा लगाते समय या सिलते समय कोई पेन वगैरह महसूस तो नहीं होता है, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो है चीरा डॉक्टर किन किन लेडीज़ को लगाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी हो सकती है कि अगर आपके योनि का मार्ग यानी आपकी जो पैल्विक आर्च होती है उसका मार्ग छोटा हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर चीरा लगा सकते हैं। अगर डॉक्टर को लगे कि बच्चे को बाहर निकलते समय कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो डॉक्टर चीरा लगा देते हैं। सेकंड कंडीशन होती है अगर आपका बच्चा उल्टा हो, यानी आपके बच्चे के पांव पहले बाहर आ रहे हों या फिर हिप्स का पार्ट पहले बाहर आ रहा हो, यानी सिर के अलावा कोई भी पार्ट बाहर आ रहा हो, तो ये भी कारण हो सकता है चीरा लगाने का। थर्ड हो सकता है कि आपके बच्चे का सिर का साइज बड़ा हो कि डॉक्टर को लगे कि आपके बच्चे का सिर जो है फंस सकता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर चीरा लगा देते हैं। नॉर्मली तो है 1 से 5 तक टाके आते हैं इसमें, लेकिन ये उस टाइम की सिचुएशन पे कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितने टाके आएंगे। तो एक बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इन जो चीरा लगाते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, क्योंकि जब डॉक्टर आपको डिलीवरी रूम में लेके जाते हैं और उस जब बेबी का सिर बाहर आने वाला होता है तो उस समय इंजेक्शन लगाते हैं आपको, तो वो उस पार्ट को यानी आपकी पैल्विक रीजन होता है उसको बेहोश कर देता है, सुन कर देता है, आपकी जो योनि का एरिया होता है उसको सुन कर देता है, तो आपको बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं होता। और जब बच्चा बाहर आ जाता है और प्लेसेंटा यानी जो आहार नाल होती है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो है टाकू से उसको सील देते हैं, तो उस टाइम भी आपको दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि वो पार्ट जो है आपका सुन रहता है। सेकंड है कि ये जो टाके होते हैं सेल्फ डिजोल्व होते हैं, इनको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं होती और आपकी डिलीवरी के लगभग 20-21 दिन के अंदर अंदर आपके ये ठीक हो जाते हैं, तो इनको कटवाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन देखिए चीरा लगाते समय दर्द नहीं होता, स्टिचेस लगाते समय भी पेन नहीं होता, लेकिन डिलीवरी के बाद यानी 1-2 घंटे बाद में आपको थोड़ा सा पेन महसूस होता है। ये लगभग 10-15 दिन आपको हल्का दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन लगभग 15-20 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो जो टाकू की देखभाल की ज़रूरत होती है, तो मैंने टाकू की केयर कैसे करें इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं।